हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ब्रेक चैम्बर को कैसे रिपेयर किया जाता है दिखाने वाला हूँ। लास्ट एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल पर नए है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले डमी प्लग को एलंकी से खोलना है। यहाँ पर देख सकते हो डमी प्लग निकल गया। अब नट का लॉक पिन खोलेंगे, फिर नट को बाहर निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो ये एलंकी बोल्ट है। इसको एलंकी से बाहर निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हो एलंकी बोल्ट बाहर निकल गया है। आपको एक लंबा सेंटर बोल्ट लेना है। सेंटर बोल्ट को चैम्बर में डालना है। उसके बाद बूस्ट डालना है। बूस्ट डालने के बाद एक पट्टी को भी सेंटर बोल्ट के अंदर डालना है। अब एक उसको नट को टाइट करना है। क्योंकि चैम्बर खोलते समय स्प्रिंग का टेंशन ज़्यादा रहता है, टेंशन ज़्यादा रहने के वजह से चोट भी लग सकती है, इसलिए इसका ध्यान पहले देना है। बोल्ट को नॉर्मल टाइट करना है। नॉर्मल टाइट होने के बाद चैम्बर के सारे बोल्ट खोलेंगे। देख सकते हो बोल्ट खुल रहे हैं। टोटल 8 नट रहते हैं। अब पूरे नट खुल गए, नट बोल्ट खुल गए पूरे। अब नट को लूज करेंगे। नट को लूज करते समय धीरे धीरे लूज करना है। यहाँ पर देख सकते हो चैम्बर धीरे धीरे खुल रहा है। यहाँ पर देखो गैप आ रहा है। ऐसा धीरे धीरे नट को लूज करना है ताकि स्प्रिंग उड़ ना सके, इसलिए धीरे धीरे इसको खोलना है। स्प्रिंग का टेंशन जो है बहुत ही हाई रहता है। खुलने के बाद दिख ही जाएगा आपको।
अभी बोल्ट को, इसका टेंशन चला गया, अभी नट को निकाल देंगे। नट को निकालने के बाद इसका पट्टा और बुश बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से जुगाड़ लगा के आपको चंबर को खोलना है। यहाँ पर देख सकते हो ये बड़ी स्प्रिंग है, हाई टेंशन रहता है, ये हाउजिंग इसका। अब इसका ये रिपेयर किट निकालेंगे, निकाल के दूसरा किट इस तरह से डाल सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ये किट जो है ये पूरा कटा हुआ है, और ये स्प्रिंग है, ये चंबर का, पार्किंग चंबर का ये किट है, पूरा खराब हो चुका है। आप यहाँ पर भी सील है इसका, देख सकते हो ये स्क्रूड्राइवर के माध्यम से इसको निकालना है। ये इसका किट है, इसमें भी ओरिंग रहता है। अंदर के साइड में तो दोस्तों इस तरह से आप ब्रेक चैम्बर को खोल के रिपेयर किट डाल सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।